नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक 500 रुपये या उससे भी कम के बजट में एक बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर। आपने मेरी लास्ट वीडियो जो 1000 रुपये से कम के ब्लूटूथ वाली जो वीडियो है उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसा ब्लूटूथ स्पीकर टेस्ट करके लेकर आऊँ जो 500 रुपये से भी कम के प्राइस में आए और उसका साउंड और उसमें जो भी फीचर्स हो वो बिल्कुल टॉप नॉच हो। तो इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं MG की ओर से आने वाले इस कॉम्पैक्ट मिनी ब्लूटूथ स्पीकर की, जिसकी प्राइस एक्चुअली तो बहुत कम है। मैंने इसको ऑफलाइन परचेस किया है 350 रुपीज़ में, बट आपको ये ऑनलाइन 499 और 500 समथिंग में मिल जाएगा। जल्दी से अनबॉक्सिंग से शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊंगा क्यों आपको ये ब्लूटूथ स्पीकर परचेस करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक, स्वागत है आपका 360 टेक टिप्स यूट्यूब चैनल पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि सबसे पहले बॉक्स पर सामने की ओर दी हुई है MG की ब्रांडिंग, इसमें दिया हुआ है TWS FM रेडियो वायरलेस USB और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट करता है। USB से भी आप यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस इसको आप यूज़ कर सकते हैं। FM रेडियो का सपोर्ट इसमें आपको मिल जाता है और डिस्को सीरीज़ में ये MG ने इसको निकाला है। साइड में कुछ और फीचर्स के दिए हुए हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि ब्लूटूथ वर्जन 5.0 आपको इसमें मिल जाता है। 1200 mAh का इसमें बैटरी आपको मिलता है नॉर्मल, आप फ़ोन के चार्जर से इसको चार्ज कर सकते हैं। ब्लूटूथ FM सभी का सपोर्ट आपको इसमें मिल जाएगा और रेड कलर में मैंने इसको परचेस किया है। और जैसे ही बॉक्स को खोलते हैं सबसे पहले तो एक मिल जाता है हमारा माइक्रो USB केबल और बहुत ही बेसिक सी पैकेजिंग में आपको मिल जाएगा ये ब्लूटूथ स्पीकर। ऑब्वियसली कॉस्ट कटिंग के लिए पैकेजिंग तो बेसिक रहेगी। आप देखेंगे एक रेड कलर में एक प्रीमियम फिनिश प्रीमियम प्लास्टिक के साथ ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है फर्स्ट लुक की अगर मैं बात करूँ तो। और आगे की ओर इसमें ग्रिल दिया हुआ है जो कि आई थिंक एल्युमिनियम या स्टील का हो सकता है मे बी। पीछे की ओर इसमें कुछ फीचर्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का बटन दिया हुआ है, एक चार्जिंग का पोर्ट है, USB का पोर्ट है इनपुट के लिए जिसमें आप USB पेन ड्राइव के थ्रू भी सॉन्ग्स वगैरह सुन सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड भी इसमें यूज़ कर सकते हैं और अगर आप ऑक्सिलरी केबल के साथ इसको यूज़ करना चाहते हैं, वायरलेस यूज़ नहीं करना चाहते तब भी इसको आप कर सकते हैं। एक इसमें आपको बैंड दिया हुआ है फॉर हैंगिंग पर्पस। ऊपर की ओर कुछ कंट्रोल्स और दिए हुए हैं जिसमें आपको एक LED का बटन है। ये ब्लूटूथ में मैं आपको बताना चाहूँगा LED भी मिलती है फ्रंट साइड में, जो कि एक डिस्को सीरीज़ में जो ये ब्लूटूथ आता है उसमें जो LED है वो आपको इससे आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग मोड्स होते हैं, वॉल्यूम प्लस माइनस का बटन है और एक मोड का बटन है, इसमें ही प्ले पॉज का भी बटन है। मोड के थ्रू आप FM मोड या ब्लूटूथ मोड में स्विच कर सकते हैं और इसी बटन से आप प्ले पॉज भी कर पाएंगे। जल्दी से ब्लूटूथ को मैं कनेक्ट कर लेता हूं अपने फ़ोन से और इसका कुछ साउंड सैंपल्स मैं आपको सुनाना चाहूंगा ताकि आप बेहतर समझ पाएं कि इस ब्लूटूथ का जो साउंड है, ऑब्वियसली हम साउंड के लिए ही तो साउंड पर बस ब्लूटूथ स्पीकर लेते हैं, कि कैसा काम करता है। वेलकम टू MC म्यूजिक वर्ल्ड। ब्लूटूथ मोड कनेक्टेड। साउंड क्वालिटी की अगर बात करें तो आपने सुना ही होगा कितना लाउड साउंड है, बेस भर भर के है यार। मतलब इतना ज़्यादा बेस इस प्राइस पॉइंट पर मैंने नहीं सुना है। मैंने JBL के स्पीकर्स भी यूज़ किए हैं, इंटेक्स के भी अच्छी सीरीज़ में जो स्पीकर्स आते हैं मैंने यूज़ करके देखा, बट जो प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो है ना इस स्पीकर का वो डेफिनेटली कमेंडेबल है और MG बहुत अच्छा काम कर रहा है। लास्ट में एक लास्ट वीडियो मैंने दिया था
एमजी की ओर से आई थिंक M6 करके एक ब्लूटूथ स्पीकर था जो एल्युमिनियम बिल्ड के साथ आता है, वो भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। उसको मैं पर्सनली अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, वो बहुत ही इजी स्मॉल स्पीकर है, लैपटॉप वगैरह के संग यूज़ कर सकते हैं हम। एमजी का ही ये जो मैंने स्पीकर यूज़ किया है ना, ये भी एक काफ़ी अच्छा स्पीकर है। इसमें मोबाइल को भी आप ऊपर इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, आप देख पाएंगे इस तरीके से आप मोबाइल होल्ड कर सकते हैं। इवन इसमें जो बेस निकल के आ रहा है ना, वो इसमें अलग से ही पीछे पोर्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप बेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे। एक अच्छा बेस आपको मिलता है, एक अच्छा नीचे रबड़ कुशन मिलता है। वेट की बात करूँ तो वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी सही है, क्योंकि इसके अंदर जो स्पीकर यूज़ किया गया है वो अच्छी क्वालिटी का है, वो समझ में आ रहा है। तो मुझे एक अपडेट और देना था एक्चुअली, मैंने इसमें कॉल्स भी टेस्ट करे थे, तो कॉल्स में आई थिंक कुछ इशू आ रहा है, कॉल्स में नहीं इसमें रिसीव कर पा रहा हूँ। रिसीव करने का ऑप्शन आता है बट मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, तो मे बी ये मेरे यूनिट में कुछ इशू हो सकता है। तो जब भी आप इसको परचेस करते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने लाउडनेस की बात करी थी वीडियो में, बट द थिंग इज अगर आप साउंड क्वालिटी की बात करेंगे तो आपको 80% पे ये यूज़ करना पड़ेगा। 80% के ऊपर थोड़ा सा मुझे डिस्टॉर्शन लगता है, और ओवरऑल साउंड बैलेंस्ड है तो ऐसा कुछ नहीं, और बेस थोड़ा ज़्यादा है तो डेफिनेटली बेस के ऊपर ये कंपनी ने बनाया है। तो मेरा ये सजेशन है, अगर आप कॉल्स के लिए ले रहे हैं तो डेफिनेटली इसको नहीं लीजिए, कॉल्स में दिक्कत आई है। और आई डोंट नो ये मेरी यूनिट में है या फिर सभी में है, ये आपको चेक करना पड़ेगा एक बारी, बट वैसे ओवरऑल ये ठीक ठाक है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, अगर आपका बजट 500 या उससे भी कम है तो डेफिनेटली इसको आप ऑनलाइन परचेस कर लीजिए, और आप ऑफलाइन जाएंगे तो प्रोबेबली आपको 350-400 में ये मिल जाएगा, और इससे बेहतर स्पीकर आपको आई डोंट थिंक 700-800 की प्राइस में भी मिल सकता है। यू शुड डेफिनेटली गो विथ एमजी का ये जो स्पीकर है, M13 के नाम से आता है, इसको आप चेकआउट कीजिए। परचेज करने के बाद अपना एक्सपीरियंस इस वीडियो में आके मुझसे शेयर कीजिए, और बने रहिए ऐसे ही और अन्य इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।